नमस्कार दोस्तों, क्रिएटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल क्रिएटर्स। जो तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बड़ी संख्या में लोग अब पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि लेटरल एंट्री से एडमिशन लेना पॉलिटेक्निक में सही है या गलत है, या डिसीजन कहां तक आपको पॉजिटिव वे में ले जाता है, कहां तक नेगेटिव वे में ले जाता है, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताएं, बट वीडियो आप पूरा देखें। देखो, लेटरल एंट्री की जब बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्वेल्थ किए होते हैं, ग्रेजुएशन किए होते हैं और पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, मतलब डिप्लोमा में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि नहीं यार, अगर मैं फर्स्ट ईयर में से चला जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली ले सकते हो, क्योंकि लेटरल एंट्री इसीलिए बना है, इसीलिए बनाया गया है। और आपकी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लो पॉलिटेक्निक में, मतलब लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के बाद बस पॉलिटेक्निक आपको 2 ईयर्स का हो जाता है, 2 साल में आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन किसके लिए लेटरल एंट्री है? वो ट्वेल्थ किए हुए बंदों के लिए है, ग्रेजुएशन किए हुए बंदों के लिए है, मतलब ट्वेल्थ जो उसका क्राइटेरिया है वो मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके बाद आप कुछ भी किए रहो वो आप पे डिपेंड करता है। देखो, अगर गवर्नमेंट ने जब वो बनाई है चीजें लेटरल एंट्री वाली कि 12th के बाद ले सकते हो, तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो और आपके पॉइंट ऑफ भी उसमें सही भी है मेरे हिसाब से। और हम बात करते हैं जैसे कि आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हो, तो बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ होता है नहीं, हमने गलत डिसीजन ले लिया है। नहीं यार, ऐसा कोई डिसीजन गलत नहीं ले लिया। जब फर्स्ट ईयर में आप स्टडी करने जाते हो, चाहे बीटेक हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे आईटीआई में, किसी में आप एडमिशन करने जाते हो, तो बड़ा बेसिक सा पढ़ाया जाता है। तो पॉलिटेक्निक में भी ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। आप कह लोग 70-80% जो आप 12th में चीजें पढ़े रहते हो वही फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, तो वहां पे चीजें आपके लिए फेवर में होती हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो लोग आर्ट बैकग्राउंड या फिर किसी और बैकग्राउंड से 12th किए होते हैं उनके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जो आर्ट से पढ़े हैं या 10th तक साइंस था उसके बाद आर्ट ले लिए हैं, वो पॉलिटेक्निक में आते हैं, तो ऐसे लोग कृपा करके लेटरल एंट्री मत लें, वो फर्स्ट ईयर से एडमिशन ले उसके बाद वो करें। एक एग्जांपल देता हूं कि कोई बंदा बीए किया हुआ है और सोच रहा है कि लेटरल एंट्री मैं ले लूं, क्योंकि पॉलिटेक्निक का जो क्राइटेरिया होता है वो 10th बेस ही होता है जाने का, तो वो 10th बेस पे चला जाए वो बेस्ट होगा। क्योंकि लेटरल एंट्री अगर आपने ले लिया तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि 12th वाली चीज आपने पढ़ी नहीं है। तो अगर आप कोई 10th बेस पे जाता है तो वो तो बेस्ट है, अगर 12th साइंस से किया है तो लेटरल एंट्री बेस्ट है, और अगर आपने आर्ट से किया है तो मेरे हिसाब से लेटरल एंट्री आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये जो डिसीजन है ना, बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, आपके करियर का, आपके लाइफ का डिसीजन हो सकता है। हो सकता है कि वो 2 साल आपको अच्छे लगे, उसके 2 साल के बाद आप इंडस्ट्री में आओ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, जेई बनने के लिए जाओ, तो वहां पे चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और आपसे हैंडल नहीं हो पाएंगी। तो जो भी डिसीजन लो, आर्ट्स वाले या साइंस वाले, बड़ा सोच समझ के लो। साइंस वालों के लिए तो ठीक है, चलो अगर फर्स्ट ईयर से भी ले लिए तो भी ठीक चल जाएगा, बट आर्ट्स वालों के लिए अगर सेकंड ईयर में चले गए, सेकंड ईयर से ले लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया गया है, वीडियो में आपको ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, पारदर्शिता दिखाई गई है कि जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने रहे। तो बस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। जो लोग पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।